नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइज आज के वीडियो की शुरुआत यहाँ पे मैंने आउटडोर में की है, क्योंकि आज हमारे पास है सोनी का ZV-1 कैमरा, जिसे मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 से लेकर 3 दिन में। और अभी भी आप जो फुटेज यहाँ पे देख रहे हो वो उसी कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी एक्सटर्नल माइक यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, आउटडोर में शूट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत विंड भी यहाँ पे है। सो भाई कैसा है ये व्लॉगिंग कैमरा, किस हद तक ये अपने आप को प्रूव करता है हर एक एस्पेक्ट में, डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे बॉक्स कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको देखने मिलते हैं इसमें यूजर मैनुअल्स, उसी के साथ माइक्रो यूएसबी केबल और डेड कैट उन्होंने प्रोवाइड की है, और एक बैटरी भी उसके साथ यहाँ पे आपको देखने मिलती है। और फाइनली यहाँ पे आपको देखने मिलता है सोनी का ZV-1 व्लॉगिंग कैमरा, और उसी के साथ यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ट्राइपॉड का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जो एक एडिशनल बंडल पैक में आप इसे इंक्लूड कर सकते हो। सो गाइस फिर मैं बात करना चाहता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो काफी बढ़िया और स्टर्डी बिल्ड के साथ आता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे हॉट शू माउंट, माइक, पावर ऑन का बटन, शटर बटन और कई सारे फंक्शनैलिटीज के बटन उन्होंने प्रोवाइड किए। डिस्प्ले के राइट हैंड साइड में आपको स्क्रोलिंग नॉब, वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन, डिलीट बटन, फंक्शन बटन और कई सारे एडिशनल बटन प्रोवाइड किए। राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे पोर्ट्स, जहाँ पे आपको माइक का पोर्ट, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और माइक्रो एचडीएमआई उन्होंने प्रोवाइड किया है। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है बैटरी कंपार्टमेंट, जिसमें आप बैटरी एंड बट ऑब्वियस यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। गाइस फिर हम बात करेंगे इसके लेंस की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलती है 9.4 से लेके 25.7 mm की लेंस, जो आती है f1.8 से लेके f2.8 अपर्चर के साथ, जो काफ़ी एडिक्वेट है आपको व्लॉगिंग के लिए। और उसी के साथ अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्लिप स्क्रीन डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, जो आता है टच स्क्रीन के साथ, और इसका टच स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली फोकस को एडजस्ट करने के लिए। और इसका जो डिस्प्ले है आप वैरायटी ऑफ एंगल्स में यहाँ पे मोड़ के यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है व्लॉगिंग पर्पज़ के लिए। एंड जी हाँ, ऊपर की तरफ जो हॉट शू माउंट उन्होंने प्रोवाइड किया है, वहाँ पे आप एक्सटर्नल माइक्स भी इसमें अटैच कर सकते हो, या फिर जो डेड कैट उन्होंने प्रोवाइड किया है उसे भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट डायरेक्शनल माइक प्रोवाइड किया है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है व्लॉगिंग के लिए। और अगर हम बात करेंगे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स की, तो यहाँ पे आप फुल HD से लेके 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ पे 4K का फ्रेम रेट है 25 FPS। और भाई यहाँ पे कैमरा के बारे में ज़्यादा बातें कर ली, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सैम्पल फुटेज बताने वाला हूँ, जहाँ पे हमने कोई भी एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं किया है और ये रिकॉर्ड हो रहा है 1080p एट 50 FPS। सो यहाँ पे हम हैं आउटडोर में, और यहाँ पे मैंने डेड कैट को इंस्टॉल किया था, डायरेक्ट सनलाइट में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई होप यहाँ पे जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सुनाई देती होगी। यहाँ पे विंड भी आ रही है, बट विंड की साउंड यहाँ पे कम्प्लीटली कैंसिल आउट होती है, क्योंकि यहाँ पे डेड कैट इंस्टॉल्ड है। सो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है डायरेक्शनल माइक की, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको सुनाई देती है। सो गाइस जैसे आपने देखा यहाँ पे इसका फुटेज काफ़ी बढ़िया फुटेज आता है, और प्लस जो इनबिल्ड माइक है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपका ऑडियो यहाँ पे कैप्चर करता है। फिर हम बढ़ते हैं इसके पिक्चर प्रोफाइल मोड्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है, और इन ऑल 10 पिक्चर प्रोफाइल मोड्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। और पिक्चर प्रोफाइल मोड में यहाँ पे 10 के 10 मोड में हमने यहाँ पे वीडियो कैप्चर किए, और आप देख सकते हो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। सो अलग अलग वीडियो कंडीशंस में आप डिफरेंट पिक्चर प्रोफाइल मोड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और प्लस अगर आपको चाहिए तो इसमें कलर करेक्शन करके आपके वीडियोस को एनहांस भी कर सकते हो। एंड फिर मैं बात करना चाहता हूँ इसके फोकस के बारे में। सो भाई ये मेरा काफ़ी बढ़िया और फेवरेट फीचर है इस पर्टिकुलर कैमरा का, क्योंकि यहाँ पे आपको इमीडिएट फोकस देखने मिलता है। सो यहाँ पे मैंने मेरा आईफोन यहाँ पे फोकसिंग के लिए टेस्ट किया है, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से आईफोन यहाँ पे फोकस कर रहा है और फास्टली कर रहा है। और मिनी ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे मैंने कार कीज के साथ भी इसे ट्राई किया, और वहाँ पे भी काफ़ी परफेक्टली ये वर्क कर रहा था। और यहाँ पे हमने और एक छोटा ऑब्जेक्ट मतलब मेमोरी कार्ड के साथ भी इसे ट्राई किया था। सो गाइस ओवरऑल जो इसका फोकसिंग है वो काफ़ी फास्टली और रिस्पॉन्सिवली हो जाता है, मतलब विद इन अ सेकेंड फोकस इसका एडजस्ट हो जाता है। सो गाइस जो फोकस है उसके मामले में भाई ये जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। एंड जी हाँ गाइस, व्लॉगिंग कैमरा है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, या फिर ये फैक्टर आप बोल सकते हो काफ़ी क्रूशल है। एंड इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने मिलता है, तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी ऑफ करके और स्टेबिलिटी ऑन करके फुटेज लिया, और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो वीडियो है वो स्टेबिलाइज हो जाता है। एंड गाइज इस पर्टिकुलर व्लॉगिंग कैमरा में आपको पोर्ट्रेट वीडियो मोड का भी फंक्शनैलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया है, मतलब जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो
आपका फेस यहाँ पे पोर्ट्रेट में आएगा और बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस वीडियो को जहाँ पे हमने पोर्ट्रेट वीडियो टेस्ट की है। सो गाइस यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्ट सनलाइट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको विजिबल हो जाता है, काफी क्लियर यहाँ पे बैकग्राउंड आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं टर्न ऑन करता हूँ इसमें बोके मोड, और अभी आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है कम्प्लीटली यहाँ पे ब्लर हो चुका है। वापस मैं इसे क्लियर मोड में स्विच करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर बैकग्राउंड है। और जी हाँ, वापस हम इसे पोर्ट्रेट मोड में स्विच करते हैं, तो अभी वापस ये पोर्ट्रेट मोड में आ चुका है। और कुछ इस तरीके से आप पोर्ट्रेट मोड में आपके वीडियोस यहाँ पे काफ़ी आसानी से और बढ़िया तरीके से शूट कर सकते हो। और प्लस गाइज इसमें आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जिसे ये लोग बोलते हैं हाई फ्रेम रेट HFR। सो यहाँ पे हमने इसे इनेबल किया है और आप देख सकते हो यहाँ पे 250, 500 और 1000 FPS के ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। और यहाँ पे तीनों भी FPS में हमने वीडियो टेस्ट किया है और आप देख सकते हो साइमल्टेनियसली तीनों भी वीडियोस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से जो इसका हाई फ्रेम रेट है वो वर्क करता है। एंड उसी के साथ बढ़ते इसके अगले फैक्टर की तरफ, जो है स्किन स्मूदनिंग। सो भाई बहुत सारे व्लॉगर्स जो होते हैं उनको स्किन स्मूदनिंग का ऑप्शन चाहिए रहता है, जो ये पर्टिकुलर कैमरा यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। बस आपको सेटिंग्स में जाके उसे टर्न ऑन करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्किन स्मूदनिंग ऑफ और स्किन स्मूदनिंग ऑन में दोनों भी सैम्पल फुटेजेस लिए और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका जो स्किन टोन है वो एडजस्ट करके यहाँ पे स्किन स्मूदनिंग जो फंक्शन है वो यहाँ पे वर्क करता है। सो गाइज ये एक काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन फीचर उन्होंने इस पर्टिकुलर व्लॉगिंग कैमरा में ऐड किया है। एंड फाइनली हम बढ़ते हैं इसके नाइट मोड की तरफ, या फिर लो लाइट परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे हमने लो लाइट में भी इसमें वीडियोस रिकॉर्ड किए और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। हालांकि ये मैंने शाम के टाइम पे किया था क्लोज एनवायरनमेंट में, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से लो लाइट में भी या फिर नाइट मोड में भी जो वीडियोस है बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। और फिर हम बात करेंगे इसके ब्लूटूथ ट्राइपॉड की। सो गाइज ये एक एडिशनल बंडल पैक है जिसे आप इंक्लूड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको फंक्शनलिटीज देखने मिलते हैं जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, जूम इन जूम आउट, फोटो आप क्लिक कर सकते हो, C1 कस्टमाइजेबल बटन उन्होंने प्रोवाइड किए, आप इसे लॉक भी कर सकते हो, अनलॉक भी रख सकते हो। सो गाइस जो ब्लूटूथ ट्राइपॉड उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो काफ़ी हैंडी हो जाता है। बस आपको ट्राइपॉड की हेल्प से यहाँ पे नेविगेट करना है और सारी फंक्शनैलिटीज यहाँ पे आपकी वर्क करेंगी प्रॉपरली। सो गाइस काफ़ी बढ़िया ये व्लॉगिंग कैमरा है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इसमें इंटरचेंजेबल लेंस नहीं है, बट अगर आप व्लॉगिंग पर्पज के लिए इस पर्टिकुलर कैमरा को यूज़ कर रहे हो सो इसकी जो लेंस है वो काफ़ी एडिक्वेट है व्लॉगिंग के लिए, डे मोड में भी एंड बट ऑब्वियस लो लाइट में भी या फिर नाइट मोड आप बोल सकते हो। एंड सबसे क्रूशियल फैक्टर, मतलब इसमें आपको इनबिल्ड ND फिल्टर उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो यूजुअली बाकी लोग अलग से फिल्टर परचेस करते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। सो भाई ब्राइट या फिर हार्श कंडीशन में भी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इस कैमरा की हेल्प से व्लॉग कर सकते हो। और भाई बात करेंगे इसके प्राइसिंग की, तो ये आपको मिल जाता है 59,990 की प्राइस में। और अगर आप बंडल पैक के साथ जाते हो, मतलब ये जो ब्लूटूथ ट्राइपॉड उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके साथ जाते हो, तो आपको ये मिल जाता है 68,990 के प्राइस में, जो काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग है इस पर्टिकुलर व्लॉगिंग कैमरा के लिए, क्योंकि इसमें भाई आपको ढेर सारे फीचर्स देखने मिलते हैं व्लॉगिंग पर्पज़ के लिए, और बट ऑब्वियस सोनी की वारंटी भी है। सो गाइज अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कैमरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।